पाकिस्तान में इसका आने वाला टाइम कितनी देर में बूम कर जाएगा, ये कितनी देर में ये कोई अच्छा, अपने आप को मनवा लेगा? वो अभी हम थोड़ी देर पहले जो बात करने लगे थे ना, दुबई में एक्चुअली 2021 का टाइम है, ठीक है, कि जिसमें उन्होंने अपना सारा ऑफिशियल डेटा जो है ना, वो जो एक्सपो है, नहीं 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 2021, वो 2020 एक्सपो है, ठीक है, 2021 तक उनका टारगेटेड टाइम है कि जी उन्होंने अपना सारा ऑफिशियल रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे ले आना, ठीक है, ठीक है, यानी इससे क्या बात साबित होती है कि आपकी जो नेक्स्ट टाइम टिकट्स आएंगी ना 2021 के बाद, आपका जो वीज़ा आएगा और भी जो इस तरह की चीज़ें होंगी वो सब आपको ब्लॉकचेन पे अवेलेबल होंगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जब यानी कि सपोज करें वो एक ऐसी शिक लगा दें कि जी ब्लॉकचेन का जिसके ऊपर आप हमें अपना डेटा ब्लॉकचेन के ऊपर दें, पाकिस्तान क्या पाकिस्तान तैयार होगा उस चीज़ के लिए? इस पूरी कंपेन को एक्चुअली स्टार्ट करने का, जैसे मैं पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट की जो बात कर रहा हूँ, तो पूरी कंपेन उस चीज़ को स्टार्ट करने का मकसद ये है कि उस 3 साल बाद के लिए लोगों को तैयार कर दिया कि जैसे ही ये चीज़ हो हमारे पास ऑलरेडी एक आर्मी बैठी हो जो कि ये काम कर रही हो, प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल, हाँ जी, हमारे पास लोग ऑलरेडी बैठे हो जो तैयार बैठे हो इस काम के लिए कि हाँ जी सर वी आर द प्रोवाइडर, वी आर द सर्विस प्रोवाइडर, आप हमें बताएं, ठीक है। ये सिर्फ दुबई में चल रहा है कि अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये दुनिया में बहुत काम हो रहा है, लेकिन दुबई को इस टाइम ब्लॉकचेन सिटी के नाम से कहा गया है। अच्छा, उसको कहा गया है कि ये ब्लॉकचेन सिटी है, सबसे बड़ी इंप्लीमेंटेशन ब्लॉकचेन की वहाँ पे हो। अहमद साहब, अगर किसी किसी स्टूडेंट ने अगर कोई कोर्स करना चाह रहा है ब्लॉकचेन पे, तो उसे कहाँ पे जाना पड़ेगा? क्या पाकिस्तान में ऐसे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं ब्लॉकचेन के लिए? पीएनवाई से अभी जो हमने एक रिसेंटली वर्कशॉप भी की थी, ठीक है, हमने बेसिकली इस पीएनवाई में मैं यानी कि वहाब साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ बेसिकली कि उन्होंने जी यानी कि मेरे साथ मिलकर ये चीज़ शुरू की। बेसिकली अभी हमने वर्कशॉप की थी, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त वर्कशॉप गई थी, ठीक है, ठीक है, मैंने देखी जी, हाँ, दो वर्कशॉप्स हमने कराई और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया हमें उसके ऊपर, ठीक है। अभी हमने इन चीज़ों को ना फेजेज में डिवाइड किया, ठीक है। फेज़ वन में हम बेसिकली सिर्फ जो फाउंडेशन कोर्स है उसको लेके चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, यानी कि ब्लॉकचेन पर कुछ लड़के लड़कियां कुछ बच्चे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन वो आप कह लें एजुकेशन सिस्टम का 2% होंगे या 3% होंगे, हम एजुकेट करना चाह रहे हैं 100% को, ठीक है, ठीक है। तो कम से कम पहले 97% जो बच्चा है उनको हम ये बताएं कि जी ब्लॉकचेन ये चीज़ होती है, अवेयरनेस तो दें, अवेयरनेस दें, उनको फाउंडेशन कोर्स पे लेके चलें, उनको फाउंडेशन कोर्स आगे की तरफ लेके चलें। उसके बाद फेज़ टू में हम टेक्निकल कोर्सेज की तरफ आएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद वो यानी कि एक कोर्स टेक्निकल लेके आएंगे, फिर दूसरे फेज़ में 2 टेक्निकल कोर्स और लेके आएंगे, और फिर तीसरे में सॉरी चौथे फेज़ में हम सिक्योरिटी के कोर्सेज लेके आएंगे, और जो पांचवा फेज़ है उसके अंदर हम करेंगे ये कि कस्टमाइज कोर्सेज लेके आएंगे, लाइक ब्लॉकचेन विद आईओटी, ब्लॉकचेन विद डेटा साइंसेज एंड समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ब्लॉकचेन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है। लास्ट में मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी इसमें कितनी, जब आपने जैसे बता दिया कि आपको एक हैश की प्रोवाइड कर दी जाती है, जो सबके आप जिसको प्रोवाइड करेंगे वही आपका डाटा चेक कर सकते हैं, हैकर्स जो हमारे पास लोग अटैकिंग वाले भी बैठे हुए हैं, क्या इसमें सिक्योरिटी आपकी वो कंप्रोमाइज़ नहीं हो जाती? देखें, इसके अंदर ना एक बड़ा मज़े का मैकेनिज्म है, दैट इज़ कॉल कंसेंसस, ठीक है। कंसेंसस जैसा नाम से जाहिर है, बेसिकली यू नीड 51% कंसेंसस टू ऐड द ब्लॉक, ठीक है। जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे उसको 51% पीपल यानी कि नेटवर्क के लोग उसको कहेंगे कि जी ये जो चीज़ है ना ये वैलिड इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है, ठीक है, ठीक है। अब कोई हैकर सपोज करें आ भी जाता, ठीक है, ठीक है, वो 51% को अपने उसमें कैसे करेगा, नंबर वन, ठीक है, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई नया ब्लॉक ऐड होता है उसके अंदर पिछले ब्लॉक की एक हैश की ऐड हो जाती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसी तरह चेन बननी शुरू हो जाती है, हर अगले ब्लॉक में पिछले ब्लॉक की हैश की होती है, प्रोवाइड होगी। जो जेनेसिस ब्लॉक होता है पहला ब्लॉक जीरो, उसमें जाहिर से पीछे तो कुछ नहीं है जी, बिल्कुल, वो अपनी हैश की जनरेट करता है अगले ब्लॉक में भेज देता है, फिर ये अपनी हैश की जनरेट करता है अगले ब्लॉक में भेज देता है, ठीक है, राइट हो गया जी, जी। चेन बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब जब भी नया ब्लॉक ऐड होना है आपको 51% कंसेंसस चाहिए, ठीक है। अब वो सपोज करें हैकर एक ब्लॉक में तो घुस गया, अब जैसे ही उसने चेंज की हैश की पिछला सारा डेटा इनवैलिड हो गया, अब वो ज्यादा से ज्यादा अगला डेटा बना सकता है, लेकिन पिछला डेटा वो कभी एक्सेस नहीं कर सकता, पिछला डेटा एक्सेस नहीं। अगर उसने कुछ करना और उसको वो ब्लॉक जिसमें वो है वो ऐड कराने के लिए भी 51% लोगों का कंसेंसस चाहिए, तो दैट मींस वो ब्लॉक भी इनवैलिड हो गया। सो वो जो 51% आप जिनकी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे भी जब अपना डेटा ऐड करवाना है तो इसका मतलब मुझे 51% कंसेंसस चाहिए होगा आपको। अच्छा, अब होता ये है, इसकी वजह क्यों पेश आती है, देखें
इसकी मैं मिसाल देता हूँ, आपने बार्टर सिस्टम का नाम सुना होगा, बार्टर सिस्टम बेसिकली जब चीज़ों के बदले चीज़ों का ट्रेड किया जाता था, राइट। होता ये था कि जी एक बंदा बैठा हुआ है एक जगह पे, उसके पास गंदम है सपोज करें, एक ज़मीन एक कनाल के उसकी गंदम फैली हुई है, ठीक है, 10 मरले के ऊपर, ठीक है। उसने क्या किया, या उसने कहा कि मेरे पास गोल्ड है, तुम गोल्ड ले लो और ये गंदम मुझे दे दो, ठीक है, ठीक है। अब वो कैसे ये चीज़ करेगा, वो करेगा ये कि उसने पूरे गाँव के या जो भी उसके लोग हैं उनको उसने इकट्ठा किया जी। अब सपोज करें एक गांव में 100 लोग रहते हैं, ठीक है, दो लोग आपस में ट्रांजैक्शन ये वाली करना चाह रहे हैं, दे आर एग्रीड टू डू दैट, ठीक है, ठीक है। अब 98 लोग सामने खड़े हैं, ठीक है, वो ऐलान करते हैं मैं अपने गोल्ड के बदले ये गंदम ले रहा हूँ, ये बंदा कहता है अपने गंदम के बदले गोल्ड ले रहा हूँ, ठीक है। अब वहाँ पर जो 98 बंदा, वो किसी की गंदम को तो नहीं कहेगा ना कि ये किसी की गंदम है ये जी, उन 98% लोगों ने ये वेरीफाई किया, कंसेंसस का मतलब होता है वेरिफिकेशन, उन्होंने ये वेरीफाई किया कि ये गंदम इसकी है, ठीक है, और ये गोल्ड इसका है, ठीक है, वेरिफिकेशन हो गई बिल्कुल। उन्होंने साथ ही जो है ना कहा ओके आप कर लें, उन्होंने कर दी। अब सिक्योरिटी कहाँ पे आ जाती है, अब ये ए आके बी के पास कहता नहीं जी मैंने तो आपको गंदम, मैंने तो आपको आपसे सोना चेंज एक्सचेंज ही नहीं किया था, ठीक है, 198 लोग वहीं पे बैठे होंगे कहेंगे नहीं जी हम वेरीफाई हैं, आपने किस तरह आपने तो किया था ये काम, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका हमें अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए। व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ अहमद मंजूर साहब जो कि CEO हैं पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट के और फाउंडर भी हैं उसके। आज हम इनसे बात कर रहे थे कि ब्लॉकचेन के बारे में पाकिस्तानियों को मैं समझता हूँ कि बहुत कम अवेयरनेस है, इनफैक्ट मुझे भी बहुत कम नॉलेज था इस ब्लॉकचेन के बारे में, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी इस इंटरव्यू से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप सर्टिफिकेशंस करना चाहते हैं ब्लॉकचेन पे तो PNY ट्रेनिंग्स आपको सर्टिफिकेशंस भी अलाउ कर रहा है, आप PNY ट्रेनिंग्स आरफा क्रीम टावर में है विज़िट कर सकते हैं और वहां पे जाके आप कोर्सेज में एनरोल करवा सकते हैं अपने आप को। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे कोर्सेज हैं जो हम करवा रहे हैं। इंशाल्लाह फिर किसी नए इंटरव्यू में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए एजेंडे के साथ और किसी नए गेस्ट के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे अपने मेज़बान कामरान अकमल को दीजिए इजाज़त। जी अल्लाह हाफिज़।